गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, जिसकी टॉपिक हमारी है नरेशन पार्ट 9। थोड़ा सा हम प्रीवियस रेफरेंस आपको दे देना चाहेंगे कि नरेशन में हम लोगों ने सभी चीजें लगभग लगभग पढ़ ली है, उसके क्या रूल्स होते हैं, कितने कितने बार में डिवाइड होते हैं, क्या डेफिनेशन है, सब चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है। थर्ड चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोगों ने पढ़ा नरेशन के कितने काइंड होते हैं, किन किन सेंटेंस किस किस टाइप के सेंटेंस आते हैं, उन सब सेंटेंस को हम जो है कैसे इसमें यूज करेंगे और कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। आज की हमारी टॉपिक होगी ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम जानेंगे क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद हम उसके रूल सभी बकायदे जानेंगे, उसके बाद हम आप एक साथ इसे चेंज करेंगे कि किस तरह से जब ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन आएगा, डायरेक्ट नरेशन आएगा, तो हम उसे इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम गवाए हम अपने काम को शुरू करते हैं। पहले आपका देखिए यहाँ दिया गया है, हम सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस को जानेंगे, फिर उसके बाद वो डायरेक्ट में कैसे काम करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे काम करते हैं, उन सब चीजों को हम जानेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य। जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि किसी इंसान की इच्छाओं का बोध होता हो या किसी इंसान जो है अपनी इच्छाओं को जो प्रकट करता है वही ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेंटेंस एक्सप्रेस विश डिजायर प्रेयर थॉट्स ईटीसी इट्स कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो प्रस्तुत करता है विश इच्छाओं को, डिजायर प्रेयर थॉट्स ईटीसी, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, या यूं कह लीजिए हम उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, इससे कैसे फीलिंग हो रही है, इच्छा की फीलिंग हो रही है, लेकिन ये बैड फीलिंग होती है जिसे हम स्पर्श बोलते हैं, स्पर्श मतलब अभिशाप बोलते हैं, कुछ लोग इसे श्राप भी बोलते हैं। दूसरा देखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या है, ब्लेस कर रहा है किसी को, कोई ये ब्लेसिंग है। यहां देखिए, मे द किंग हेल्प यू, मे द किंग हेल्प यू, ये भी ब्लेस हो सकता है या इसे आप किसी की विश भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस टाइप के सेंटेंस जब आते हैं तो हमने देखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस जो लोग वैसे सेंटेंस जो अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं या उन सेंटेंस में किसी की इच्छा का बोध होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उन इच्छाओं में मेजर रूप से विश डिजायर प्रेयर थॉट्स यही सब होती है। उसके बाद एग्जांपल आप देख लीजिए। अब हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में किस तरह से काम करता है, डायरेक्ट नरेशन में ऑप्टेटिव सेंटेंस किस तरह से काम करता है। रूल देखिए, व्हेन द डायरेक्ट नरेशंस रिपोर्टेड वर्ड केम विद द ऑप्टेटिव सेंटेंस देन इनडायरेक्ट नरेशंस वी विल चेंज इनटू द फॉलोइंग टॉपिक। ध्यान से सुनिए, जब डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड वर्ड, जब डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड वर्ड किस में आए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आए, तब इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित हम निम्न टॉपिक के अनुसार करेंगे। निम्न टॉपिक जो आपकी दी गई है इस टॉपिक के अनुसार हम इसे चेंज करेंगे। देखिए, पहली टॉपिक आपकी है वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ड लाइक सेज से सैड टू इंटो विश प्रेयर प्रेयर ईटीसी एज फॉर मीनिंग इन द रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब है वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ड, हम रिपोर्टिंग वर्ड जैसे मानो कि से आया रिपोर्टिंग वर्ड में, सेज आया, सैड टू आया, तो इसे हम प्रेयर विश या प्रेयर में बदलेंगे या ईटीसी में बदलेंगे एज फॉर द मीनिंग आर इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के अनुसार फिर से देखते हैं, दूसरी भाषा में इसे बोलते हैं, जब डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ड चाहे वो से आए, से जाए, सेंट टू आए, तो उसे रिपोर्टेड वर्ड के सेंस के अनुसार प्रेड विज्ड प्रे कॉस्ट ब्लेस्ड आदि में बदल देते हैं। ठीक, दूसरा
अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो अभी चेंज करते समय हम समझ लेंगे, इसे आप आ जाएगा, परेशान मत होइए। दूसरा देखिए, वी रिप्लेसेस द इनवर्टेड कॉमास बाय बैक। हम जो है इनवर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम क्या जोड़ेंगे उससे, दैट से उसे हम जोड़ देंगे। दूसरी भाषा हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ड एंड रिपोर्टेड वर्ड डिसजॉइंट विद द कनेक्टर बाय दैट, दैट नामक कनेक्टर से रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड वर्ड को जोड़ देंगे। वी विल रिमूव द डबल इनवर्टेड कॉमा, हम डबल इनवर्टेड कॉमा को एक रिमूव कर देंगे। तीसरा का हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ड सेंटेंस विल चेंज विद द हेल्प ऑफ जनरल रूल। रिपोर्टेड वर्ड का जो सेंटेंस होगा उसे हम सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे, वो भी जनरल रूल के अनुसार। आपको जनरल रूल लिखवाया गया है, हर एक सेंटेंस में आप जनरल रूल का यूज भी करते हैं, बड़े आराम से आप कर लेते हैं, उन्हीं सब जनरल रूल का आपको यूज करना है। देखिए फिर से देख लेते हैं, रिपोर्टेड वर्ब सेंटेंस विल चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ जनरल रूल। तो अब चलते हैं हम आपके एग्जांपल की तरफ कि किस टाइप का एग्जांपल आएगा और किस किस का चेंज होगा। हाँ तो बेटा अभी तक हम लोगों ने रूल पढ़ा, सब रूल को पढ़ा, अब हम जो है उसके एग्जांपल को देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, बड़े आराम से आपको कर लेंगे। सबसे पहले किसी भी नरेशन को देखने के लिए पहले जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले उस सेंटेंस को आप पढ़िए। कौन सा सेंटेंस? डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए। तो पहले हम पढ़ते हैं, पहला नरेशन आता है राम सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग। राम सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग। ध्यान से देखिए, पहले ही आप डिवाइड कर लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो डिवाइड कर लीजिए, ये कौन सा सेंटेंस होगा? रिपोर्टिंग वर्ड। और ये कौन सा होगा? रिपोर्टेड वर्ड। देखिए ये आपका होगा रिपोर्टेड वाला रिपोर्टिंग वर्ड और ये क्या हो गया? रिपोर्टेड वर्ड। ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद इस सेंटेंस को आप पढ़िए, राम सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग। मे यू लीव लॉन्ग जो है पहचानिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपको पता चलेगा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो जब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको पता चल ही गया तो ये जितने रूल हैं आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए। देखिए कैसे करते हैं, राम सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग। सबसे पहला काम करना है, देखिए क्या करना है कि वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब लाइक से सेज सेड टू इनटू विश्ड प्रेड प्रेड इटीसी एज फॉर द मीनिंग इन द रिपोर्टेड वर्ब। कहा गया कि जब डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब चाहे से में आए चाहे सेज में आए चाहे जिसमें आए, तो रिपोर्टेड वर्ब के सेंस के अनुसार जो सेंस बचता है उसी सेंस के अनुसार हम ईडी जोड़कर उसे सैड की जगह कर देते हैं। सबसे पहले मे यू लीव लॉन्ग, तो ये कैसी मीनिंग है? किसी भी किसी की इच्छा है तो इच्छा के लिए हम क्या लिखते हैं? विश। और विश ई भी जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? विश। देखिए अब हो जाएगा नाम, रखिए देखिए नाम, अब सैड किससे बदल रहा है? इनकी फीलिंग के अनुसार। फीलिंग क्या है? विश। विश कर रहे हैं, विश। अब किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? मी से कर रहे हैं, हो जाएगा मी। अब देखिए पहला रूल तो खत्म हो गया आपका, दूसरा रूल आ गया आपका वी रिप्लेसेस द इनवर्टेड कॉमास बाय दैट। अगर हमें डबल इनवर्टेड कॉमा रिप्लेस करना है तो हमें क्या लगाना होगा? दैट लगाना होगा। या यूं कर लीजिए कि डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब दोनों को जब जोड़ना होगा तो हम वहां क्या लगाएंगे? दैट नामक कनेक्टर्स लगाते हैं, तो लगा दीजिए दैट। अब बात आती है, देखो ये यहां समझने की बात है, यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब यहां देखिए मे यू लीव लॉन्ग, ये सेंटेंस ध्यान देना, ये सेंटेंस आपका जो है ये ऑफ
एक ही सेंटेंस का है, लेकिन हमें इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करना है या सिंपल सेंटेंस में लिखना है। तो सिंपल सेंटेंस में लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। और इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है। क्या है? यू है। तो अब बात आती है यू, फिर से वही फार्मूला जो आपका सन वाला फार्मूला काम करता था उसे रखिए। देखिए एस ओ एन 1 2 3 यही फार्मूला था ना, यहां लिख दीजिए। यहां ये आपको दिखाता है रिक्रूटेड को और ये आपको दिखाता है रिपोर्टिंग को। नहीं, उल्टा हो गया। ये रिपोर्टिंग को दिखाएगा और ये रिपोर्टेड को दिखाएगा। ये चलिए, राम सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है? किसके? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। रिपोर्टिंग वर्ब तो यही है ना, इसका सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट ही तो है मी। मी मिला। अब मी को हमें सब्जेक्ट की जगह रखना है। इसकी जगह रखना है सब्जेक्ट की जगह रखना है। तो सब्जेक्ट की जगह मी को रखेंगे तो आप फिर से केस वाले देखिए, मी माई, इसी में माई होता है। फिर तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो यहां क्या हो जाएगा? आई। मे को हम किसमें बदलेंगे? माइक में। ये रूल में लिखवाया नहीं गया है लेकिन हम बदलेंगे, क्योंकि मे को माइक लिखवाया गया है उसमें मॉडल एक्जेंडिव वाले। अब यहां हो जाएगा लीव लॉन्ग। बचा क्या? लीव लॉन्ग। अब हमारा जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा और एक्सक्लेमेशन मार्क जो यहां लगा हुआ है वो हट जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। देखो राम सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग, ये आपका सेंटेंस हुआ। हमने रिपोर्टिंग वर्ब जानेंगे, रिपोर्टेड वर्ब हम जानेंगे। देखें राम सेड, राम को यहां तक तो आपको समझ में आया। सेड किसके अनुसार? किसके फीलिंग के अनुसार? तो फीलिंग क्या है? विश्व की। तो जाएगा राम विश्व मी, दोनों को जोड़ेंगे हम दैट से। फिर उसके बाद बच गया मे यू लीव लॉन्ग। लीव लॉन्ग हो गया तो इसमें ऑपरेटिव सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में जब हम बदलेंगे तो सिंपल सेंटेंस बदलने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट इसमें यहां है और सेकंड पर्सन का है तो किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो वापस लेकर आएंगे मी है तो वापस लेकर सब्जेक्ट की जगह वाला क्या है? तो आई आ जाएगा। हो गया आई। मे को बदल दिए माइक में, लीव लॉन्ग और एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि अब ये सेंटेंस जो बचा हुआ है, बना हुआ है, ये सेंटेंस ऑब्जेक्टिव का नहीं रहा बल्कि सिंपल सेंटेंस का बन गया। इसलिए फुल स्टॉप लगाएंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा रिमूव कर देंगे। आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। द हर्मिट सैड, द हर्मिट सैड मे गॉड ब्लेस यू। ये ब्लेसिंग है, साधु क्या कर रहे हैं? ब्लेस कर रहे हैं। फिर से वही काम करेंगे, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब इसके बाद हमको आ गया कि यहां मैं है, मैं यहां ही, तो हमें आसानी हो गई। अब हम चेंज करेंगे इसे इनडायरेक्ट में। देखो द हर्मिट सैड, सैड किसमें? ब्लेस कर रहा है, हो जाएगा किसमें? ब्लेस। दोनों को जोड़ेंगे इससे ऑब्जेक्ट है नहीं, दैट God, God ही है ना। फिर मेक क्या लेगा? माइक। ब्लेस यू, यू ऑब्जेक्ट वाला है, ऑब्जेक्ट में तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो यू का यू ही है। फुल स्टॉप। इस तरह से हम चेंज करेंगे ऑपरेटिव सेंटेंस को। देखो क्या ऑपरेटिव सेंटेंस के तो ये थे, लेकिन कभी कभी इसी में हमारे ये जैसे यू है, आपने कहा गुड मॉर्निंग सर, बोलते हैं आप लोग गुड मॉर्निंग सर। अब इसे हम ले डायरेक्ट में अगर पूछ लिया जाए, अगर डायरेक्ट में पूछ लिया जाए तो हम इनडायरेक्ट में इसे कैसे बदलेंगे? देखो एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। यू सैड गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, आप जिस किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ये सब करते हैं तो इसी करते हैं ना,
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, ठीक है, यही कर लो, गुड मॉर्निंग, बस ये चेंज हो गया आपका। इस तरह से अब इसे आप अगर करना चाहे तो एक तरह और है, एक तरह का और भी चेंज करेंगे, जैसे यही देखो, यू विस्ड किससे बोले, सर सर गुड मॉर्निंग, कॉपी एंड अंडरस्टैंड इट रिवाइजली मल्टीटाइप।